अंगूठा छाप समझे क्या? अच्छा सारा सेक्शन का गुर्दा गुर्दा पुर्जा खोल के रख देंगे। ये किसको धमकी दे रहे? छात्र पढ़े भुका चौदह है हम लोग क्या? स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, संविधान और धाराओं को पानी की तरह पीने वाले छात्र हम लोग। आप बेवकूफ है, शरम नियोजन मंत्री का बेशरम है जो पते नहीं है 60-40 नीति क्या है। मैदान में खुद उतर कर डुमरी में जो बंदी है वो ऐतिहासिक बना दी, आप क्या कहेंगे? हमने तो वही कहा कि केवल और केवल पूरे राज्य में कहीं पुलिस के द्वारा अरेस्टिंग नहीं हुआ था, केवल डुमरे में हुआ था। तो यदि अरेस्टिंग हुआ है तो उसे तो चैलेंज के रूप में लेना होगा। इसीलिए रातों रात हम लोग लगभग 3 बजे रात को मैंने एंट्री किए हैं आपका कोयलांचल। देखिए अभी तक उपचुनाव को लेकर हमारी कोई रणनीति नहीं बनी है। इसलिए नहीं बनी है कि हम लोग विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। और उपचुनाव से व्यवस्था बदला नहीं जा सकता है, तो व्यवस्था बदलने के लिए 2024 ही मैंने महत्वपूर्ण होगा। तो 2024 की रणनीति पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। समय कम है, गांव-गांव जाएंगे, विभिन्न समुदाय, विभिन्न वर्ग, विभिन्न जात, विभिन्न जमात सभी के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और नए झारखंड का संकल्प लेकर उसकी आधारशिला रखेंगे। दादा बहुत सारा आंदोलन हुआ 60-40 के विरोध में, तो क्या आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? देखिए सरकार कहीं ना कहीं खुशामद में है। सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ की जो जनता है उन्हें अपने भविष्य से कोई वास्ता नहीं है, इसीलिए चुनाव में मुर्गा दारू बांटना पसंद करेगी लेकिन अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देना पसंद नहीं करती, क्योंकि जानती है कि जनता की आइडियोलॉजी क्या है, जनता सोचती क्या है। ये झारखंड सरकार चाहे जो भी बदल रहे राजनीतिक दल है वो जानते हैं। तो वे भी अब मतलब सीट की पेटियां बांध लें, तूफान आने वाला है। और आपकी जो सोच है कि नहीं मुर्गा दारू में ही वोट लेंगे, लोगों को बेवकूफ बोका धंधा बना के लेंगे, इस सोच में कुल्हाड़ी से भी तेज प्रहार के साथ आक्रमण होने वाला है। और ये जो नया पीढ़ी है ये नए पैटर्न, नए सोच और नई दिशा के साथ राजनीति में कदम रखने के लिए तैयार है, तत्पर है। बस इंतजार है तो निर्णायक महोदय की सीटी के बजने का। जैसे सीटी बजेगी फुटबॉल खिलाड़ी गोल मारते हुए नजर आएंगे। दादा 31 दिवसीय ये जो आंदोलन था, अब ये चूंकि आज आखिरी दिन है, अब आगे की मान लेते हैं, अब भी अगर सरकार नहीं चेती और नहीं चेती मानती तब आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए आगे की रणनीति हम लोग एक मौन आंदोलन बन रहा है कि आप लोग हम लोग बोलें, आप चुपचाप होकर एक दिन मौन आंदोलन करेंगे, फिर एक दिन हम लोग आमरण अनशन की भी चर्चा चल रही है। चूंकि अभी गर्मी है और देखिए जिनके लिए लड़ रहे हैं उनको जिंदा रखना भी जरूरी है। तो जैसे ही थोड़ा सा हवा अपना करवट लेगी हम लोग भी तूफान की भांति एक नए पैटर्न के साथ आंदोलन की जो रूपरेखा है उसे तैयार करने में लगे हैं, जिसमें हमारे सामने अभी दो ऑप्शन है, एक मौन आंदोलन और दूसरा है अनशन का लेकर। तो इस पर भी चर्चा हो रही है, हमारी अगली रणनीति यही होगी। दादा पुलिस प्रशासन के खिलाफ दादा आज आप आक्रोश में बहुत बोले, बहुत भाषण दिए, इसका क्या कारण? देखिए इसलिए थे कि देखिए पुलिस प्रशासन वो अपना कर्तव्य भूल जाती है। पिछले एक महीना से काफी कंपनी के आंदोलन में हम रहे लगातार, तो उस दरमियान पुलिस प्रशासन का रवैया रहा कि मैनेजमेंट को सपोर्ट कीजिए। क्यों भाई, किसान कुछ नहीं है, जिसका जमीन गया उसका सपोर्ट मत कीजिए, जो कंपनी जमीन ले उसका सपोर्ट कीजिए, ऊपर से प्रेस। इसलिए थोड़ा गुस्सा लगता है कि आप अंग्रेजों की पुलिस है, उनका ईस्ट इंडिया कंपनी की पुलिस है या फिर लोकतांत्रिक देश में जनता की पुलिस है, वही सवाल हमने पूछा उनसे। बाकी हमने विशेष तो कुछ नहीं कहा, लास्ट में हमने तो SDPO महोदय के साथ साथ तमाम थाना प्रभारियों को रसगुल्ला खाने का निमंत्रण भी दे दिया है। लास्ट सवाल दादा, 2024 में आपकी सरकार कहाँ से बनेगी? पहला प्रयास तो रांची से होगा, दूसरा झुमरा का पहाड़ खाली है। दादा एक सवाल है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि छात्र पढ़ाई पे ध्यान दें। हाँ छात्र पढ़ाई पे ध्यान देंगे और अपना मौसा मामा फूफा का बेटा को नौकरी बांटेंगे। आप नौकरी बांटेंगे यूपी बिहार MP वालों को? छात्र तो पढ़िए रहे, कौन नहीं पढ़ता है, बुलाइए बताइए। कांग्रेस को नहीं, झारखंड में जितना भी पॉलिटिकल दल के लीडर हैं, मंत्री रहे चाहे सुपर मंत्री रहे, वन टेबल वन डिस्कशन वन टाइम बैठाइए। अंगूठा छाप है क्या? अंगूठा छाप समझे क्या? सारा सेक्शन का गुर्दा गुर्दा पुर्जा खोल के रख देंगे। ये किसको धमकी दे रहे? छात्र पढ़े भुका चौदह है हम लोग क्या? स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, संविधान और धाराओं को पानी की तरह पीने वाले छात्र हम लोग। आप बेवकूफ है, शरम नियोजन मंत्री का बेशरम है जो पते नहीं है 60-40 नीति क्या है। बयान देता है 60-40 नीति तो कहा है, कछुआ है। जज बाप की जो सरकार है उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो आप बिना नीति का एग्जाम ले रहे हैं, तो बिना नीति के अगर ले रहे हैं तो महाबोका चौदह आप लोग है। यही बोलती है 60-40 नीति तो क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, कौन सी नीति से आप एग्जाम ले रहे हैं? क्योंकि 60-40 रघुवर की नीति है, 1985 रघुवर की नीति है। आपने रघुवर सरकार को हटाया है, उसकी नीति को नहीं हटाया, पहले समझिए बात को। बोका चौदह बना रहे हैं झारखंड के लोगों को बेवकूफ समझ के रखे हैं। 60-40 नहीं है,
श्रम मंत्री को श्रम भी नहीं आता है तो क्या है बताइए? यदि 60-40 नहीं है तो 1200 मास्टर ये घास छीनने आया है। कुछ नेता विधायक ऐसे बोल रहे हैं कि जयराम मातो ऐसे लोग ऐसे जगह ऐसे क्षेत्र प्रभावित कर रहे हैं जहां स्थानीय विधायक है, इस पर आप क्या करना चाहते हैं? स्थानीय तो चुमा लेंगे उन लोग को। स्थानीय विधायक बोल क्यों नहीं रहा है? जहाँ बाहरी विधायक है वहाँ आंदोलन किसको नहीं बोले? अनूप सिंह को पानी पानी करके रखे हैं, राज सिन्हा को कनकना के रखे हैं, बिरंची को डरंची बना के रखे हैं। एक मिनट, देश का गृह मंत्री यहाँ आते हैं जो हमारे अमित शाह जी हैं, हाँ। आप चाईबासा में आते हैं और खतियान धारित स्थायी नीति को जो लेकर जो गलत मतलब बयानबाजी देखते जाते हैं, फिर भी आपका मौन रहता है ना, कोई धरना प्रदर्शन? कब नहीं कहे, हमने तो हमेशा टारगेट में रखा है। अडानी को तो मोदी जी का बेटा घोषित किए, कहाँ सुने हैं आप लोग? पूरा सुनिए, हमने तो स्पष्ट कहा है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह का बेटा वो क्या जानेगा दर्द? अमित जैसा डायरेक्ट सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई है, कब नहीं बोले, खुल के बोले? रमेश बेस चल गए कि जो स्थानीय नीति है, जो 35-50 के आधारित जो स्थानीय नीति है वो झारखंड के जो बांटने का नीति है वो कहकर चले गए, लेकिन आपके पार्टी के लोग हैं राजभवन के समक्ष धरना भी तक एक मतलब धरना भी नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा कि राष्ट्रपति एक अलग विषय है, प्रधानमंत्री अलग विषय है। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कई तरीकों से आंदोलन कर सकते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कानूनी जानकारी होनी चाहिए। हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, हमारा अध्ययन चल रहा है और राज्यपाल राष्ट्रपति का स्वरूप होता है, इसीलिए बकाने से नहीं होगा, सबको घेरेंगे। और अभी जो माननीय रमेश बेस जहां भी गए हैं हमारे महामहिम, वहां महाराष्ट्र में गए हैं, जाके पूछिए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यानी मराठी मानूस। तो ये लोग केवल झारखंड में दोहरी नीति स्थापित करते हैं और किस बीजेपी की आप बात करते हैं? हम तो खुले मंचों में कहते हैं बीजेपी यानी यूपी बिहार के वोटर को झारखंड में स्थापित करना। बीजेपी की विचारधारा धार्मिक है, झारखंड की विचारधारा कल्चरल है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है। चाहे कोई जाति रहे, कोई धर्म रहे, मांदर की थाप में जीता है, थिरकता है, नाचता है, गाता है। और बीजेपी क्या जाती है? धार्मिक आइडेंटिटी, उसके विचारधारा से विपरीत है हमारी विचारधारा। दादा, 60-40 के विरोध में 72 विधायकों ने समर्थन दिया था, लेकिन फिर भी सरकार क्यों नहीं सुन रही झारखंड के हित में? यही तो सबसे बड़ा मजाक का विषय है कि जब 72 विधायक समर्थन दे दिए तो फिर आप किस आधार पर इस नीति को अनुपालन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात, मीडिया बंदों के माध्यम से इन सोए हुक्मरान को चेताना चाहेंगे कि आज तो लोग सड़क पे हैं, आज लोग सड़क पे हैं, जब इनका इसी प्रकार 3600 में 1200 मास्टर बाहर का, 107 में 50 को वकील, 50 प्लस वकील बाहर का, 263 में 100-150 प्लस इंजीनियर बाहर का, तो झारखंड के लोग जब तीता जाएंगे, बिसा जाएंगे तो क्या करेंगे पता है? ये चुप रहेंगे? अरे हुक्मरान, वोट हमने दिया है, शहादत हमने दिया है, कंपनी फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए जमीन हमने दिया है, तो नौकरी हमारा है, इसमें क्या गलत है? आंध्र प्रदेश भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के अनुसार 7% रिजर्व करता है थर्ड फोर्थ ही नहीं, अपने राज की नाम वाली, जैसे झारखंड में जेपीएससी, जीएसएससी, तो तेलंगाना और जो भी हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें 371 का प्रोविजन है, वो 7% राज्य की नौकरियों को रिजर्व करता है। तो बताइए, हम कौन सा विशेष मांगे? हम तो थर्ड फोर्थ की बात किए हैं, अभी हम लोग तो राज्य स्तरीय फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड में बात ही नहीं किए। तो ये राज क्यों बना है, किसके लिए बना है? क्या किसी ने इस राज की दशा को देखा? 1200-1400 मास्टर बाहर गएगा, 1,00,000-2,00,000 में पेमेंट उठाएगा, और हम लोग क्या करेंगे? भुखमरी से मरेंगे। हम लोग क्या करेंगे? दामोदर नदी का